नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, 1 जनवरी यानी कि नया साल। तो दोस्तों, आपने नए साल पे हमेशा ये सुना होगा कि कोई ना कोई किसी को एक दूसरे को जो होते हैं वो गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। ये जो होता है तोहफा लेने या देने का दिन होता है। नए साल पे लोग मुबारकबाद देते हैं, अच्छे काम की मनोकामना की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और उनको विश करते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली सरकार जो है वाहन मालिकों को 1 तारीख को एक बुरी खबर देने वाली है। देने वाली क्या है कि इस पे एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं वो क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैंने जो निकाली है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये सभी पे तो लागू नहीं होती है, लेकिन कुछ मालिक जो है वाहन मालिक उन पे ये लागू होती है। वो जरा दिल्ली और ये NCR, दिल्ली NCR के लोगों पर ये लागू होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वो ये है कि दोस्तों, दिल्ली और NCR के अंदर जो 10 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हैं जिन्हें डीजल वाहन कहते हैं, और 15 साल पुरानी जो है पेट्रोल वाहन जो है जो पेट्रोल से चलते हैं, उनको चलाने की इजाज़त नहीं है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे दिल्ली के आसपास के इलाके जिन्हें NCR बोलते हैं वहाँ पर हो। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अब ये आदेश जारी कर दिया है कि नए साल पे 1 जनवरी से दिल्ली और NCR में समस्त जो भी गाड़ियां हैं जो 10 साल पुरानी डीजल की हैं, 15 साल पुरानी जो है वो पेट्रोल की हैं, उनके सभी के RC कैंसिल कर दिए जाएंगे। लेकिन खुशखबरी एक और है दोस्तों, ये RC तो कैंसिल हो जाएगी, अगर आपकी गाड़ी जो है स्क्रैप में बिकेगी तो उसका मात्र 30 से लेकर 40 या 45 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। लेकिन वो दिल्ली सरकार का एक आपको थोड़ी सी राहत देने का फैसला लिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी RC जो है कैंसिल तो कर देंगे, लेकिन हम आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC देंगे। NOC देने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? फ़ायदा ये होगा, जब आपको NOC मिल जाएगी और आपको टाइम मिलेगा, 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा, कि इस पीरियड के अंदर, 2 या 3 महीने के पीरियड के अंदर आप अपनी गाड़ी को दिल्ली NCR से बाहर, मतलब दिल्ली और NCR दोनों एरिया की जो बॉर्डर सीमा लगती है उससे बाहर UP में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कहीं पे भी जाके आप इसे बेच सकते हैं। और जो NOC मिलेगी उसके द्वारा आप उस राज्य में उसका रजिस्ट्रेशन बड़े आसानी से करवा सकते हैं। तो आपको गाड़ी बेचने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप में जाती है तो 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और वैसे आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है और आपको अच्छा कस्टमर मिल जाता है तो आपकी गाड़ी 1 लाख 1.5 लाख में भी बिक सकती है। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है और अच्छे मॉडल की है, बढ़िया महंगी गाड़ी है, तो अच्छे पैसों में भी जा सकती है। स्क्रैप में तो दोस्तों यही होता है, कोई भी गाड़ी हो स्क्रैप में तो लोहे के भाव से जाती है, कबाड़ के भाव से जाती है, उसमें तो 30-40-45 हज़ार मैक्सिमम 50 हज़ार दे देगा कोई, चाहे आपकी कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें थी जो 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना, अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो अभी उसे रोड पे ना ले जाएं। अगर रोड पे आप ले जाते हैं और तो वो जब्त हो जाएगी, जब्त होने के बाद सीधा स्क्रैप में चली जाएगी, आपको पैसे उतने ही मिलेंगे जो कबाड़ में मिलते हैं। तो अपनी गाड़ी को भी बचा के रखें, और जो इसकी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने अथॉरिटी में जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारे न्यूज़पेपर में, अखबार में खबरें छाप दी गई हैं स्क्रैप नीति जो आई है नई, उसके अनुसार। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।